जनता का समर्थन है। हम लोग अब पद यात्रा करने के बाद जरा देखिए कि नीचे देख लीजिए आपके साथ जो जन समर्थन मुझे देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने जो भी 20 वर्ष के अंदर समाज के लिए किया, सभी तबकों के लिए किया, बिना भेदभाव के लिए किया, सर्व समाज को साथ लेकर के किया, अगड़े पक्षड़े में भेद नहीं किया, छोटे तबके को साथ रखा, जनता के लिए संघर्ष करा, नालों की सफाई का मुद्दे में जब सरकार के खिलाफ जाना पड़ा, मैं बोला, संघर्ष करा, मुझे लगता है जनता ने उसी को सराहा। तो टिकट ना मिलने के विरोध में ये काम है या फिर स्वतः ही सब कैसे हो रहा है? जनता जागरूक है, जनता जागरूक है, सब कुछ देख रही है। अच्छा, मैं नहीं समझता कि जनता से कोई चीज़ छुपी हुई है। सब चीज़ पारदर्शिता के साथ साथ में है और जनता का सहयोग समर्थन मुझे पूर्ण रूप से मिल रहा है। ये आपको क्या उम्मीद थी कि इतने लोग एक साथ एकत्रित हो जाएंगे? सब समर्थकों ने, छोटे भाइयों ने, मित्रों ने, अपने आप इतना बड़ा जनसमूह समर्थन के लिए आया और मैं इनका कृतज्ञ हूँ। हाथ जोड़ के इनके सामने मैं नतमस्तक हूँ, कुछ बोल नहीं सकता इनके लिए, क्या मैं धन्यवाद दे सकता हूँ इनका? किसी पार्टी के अगेंस्ट में जाना क्या उचित समझते हैं? किसी पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं, जिस पार्टी के लिए मैंने 20 वर्ष दिए, मैंने जिस पार्टी को 20 वर्ष दिए, आज आंसुओं से मैंने पर्चा भरा अपना। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि कभी ऐसा दिन आएगा कि मुझे निर्दलीय के रूप में नॉमिनेशन करना पड़ेगा। आज मुझे निर्दलीय के रूप में नॉमिनेशन करना पड़ा, बड़े भारी मन से मैंने निर्दलीय के रूप में नॉमिनेशन करा। ये दिन अगर करना था तो 10 साल पहले पर्चा भर देते, 15 साल पहले पर्चा भर देते, 5 साल पहले पर्चा भर देते, लेकिन आज भरना पड़ा। जनता का बहुत अधिक दबाव था। दूसरी बात यह है कि जब क्या किया है, सबके लिए पॉजिटिव काम किया है चुनाव में, सबके साथ रहे चुनाव में, उसके बावजूद ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसने हमेशा नेगेटिव राजनीति करी, लोगों को हराने की राजनीति करी, जन मुद्दों पे नहीं बोले कभी। किसी और कार्यकर्ता को टिकट मिलता उसके साथ रहता, किसी भी ऐसे कार्यकर्ता को टिकट मिलता जिसने पार्टी के नेगेटिव में काम ना किया होता, चुनाव में हराने का काम ना किया होता, ना मैं पर्चा ना भरता, उसके साथ रहता। अब तो साथ होते, हमेशा साथ रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज नामांकन का दूसरा दिन था और इस दूसरे दिन में आपने नामांकन किया, ऐसा भी हो सकता है कि या अगर नामांकन वापस भी ले लें? देखिए, भ्रमित प्रचार है, मेरे ऊपर सरकार द्वारा दबाव भी बनाया गया, मुझे प्रलोभन भी दिया जा रहा है, लगातार ये सब चीज़ें चल रही हैं, मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, प्रलोभन भी है और दबाव भी है, दोनों चीज़ें। तो क्या लगता और है? मेरे साथ अगर कोई घटना दुर्घटना या प्रशासनिक तौर पे भी मेरे ऊपर कोई मुझे नुकसान हो तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये चुनाव सरकार के खिलाफ लड़ा जा रहा है, ये चुनाव सरकार के खिलाफ है। तो क्या लगता है, मैं ये मान लूँ कि दबाव में आ सकते हैं या फिर प्रलोभन स्वीकार कर सकते हैं? मुझे तो जनता ने जो जनादेश दिया, मुझे जनता ने कहा है चुनाव लड़ो, परिणाम कुछ भी हो मैं चुनाव लड़ूंगा। मान लीजिए दो चीज़ें, मैं दो सवाल आपसे करता हूँ। एक तरफ टिकट है, दूसरी तरफ हो सकता है कोई बड़ा पद, क्या एक्सेप्ट करेंगे आप? अरे, बड़ा पद देना था तो उन्हें दे देते, जिनका जनता में कुछ नहीं था, पार्टी के सब सर्वों के अंदर, सब आपके पास इतने सरकारी डिपार्टमेंट हैं, आपके पास तो तंत्र है रुड़की का, आपके पास तो इतना बड़ा नेटवर्क होता है, सरकार के पास सब कुछ जानकारियाँ रहती हैं, बड़ा पद देना था तो उनको दे देते, बड़े नेता हैं। मतलब लेकिन जनता जिसको चाह रही थी, जनता के बीच में जो रहने वाला व्यक्ति है उसको टिकट देना चाहिए। किसी भी, मुझे पूरी उम्मीद थी कि पार्टी कम से कम आकलन करेगी, तोल के करेगी। मैंने पार्टी को कहा कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने गौरव गोयल से आधा काम रुड़की में किया हो, आप उसे टिकट दो ना। अच्छा, उसको मैं लड़ाऊंगा चुनाव, मैं बनूंगा उसका चुनाव संयोजक, मेरी पूरी तैयारी उसके काम आएगी। कोई एक आदमी ऐसा हो जो मेरे से आधे पे हो ग्राफ पे, आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो आधे चौथाई क्या कहीं है ही नहीं, सिर्फ इस बात का उसको लाभ मिल रहा कि बड़े पदों पे है, बड़े नेताओं का चाहते हैं, बस इतना ही तो है। मतलब ये हर हाल में आप ये देख रहे हैं, आज हम रिक्शे पर बैठकर भ्रमण कर रहे हैं, नामांकन का आज दूसरा दिन है और आज गौरव गोयल जी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया है। और एक सवाल लोगों के मन में हमेशा घूम रहा है कि क्या ये नामांकन वापस हो सकता है? आपने खुले रूप से कह दिया कि मुझे पद की आवश्यकता नहीं है, पद की लालसा नहीं है, मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में रखकर सेवा करने की, और ये जन आदेश है मुझे लगता है। मुझे जो जन आदेश मिला है मैं उसका कृतज्ञ हूँ, हाथ जोड़कर मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उधर मैं किसी की आलोचना नहीं करूँगा, नगर निगम मैं इस पूरे चुनाव में ना तो पहले मैंने कभी किसी की आलोचना की ना आगे करूँगा, लेकिन इतनी बात जरूर कहूँगा कि कुछ लोग खास कर से जिन्हें
मेरा टिकट काट करके, मैं तो ये कहूँगा मेरा टिकट काट करके जिन्हें दिया गया उनके दो चार समर्थक लोग इस बात की भी शहर में अफवाह उड़ा रहे हैं कि निकट में आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर राम मंदिर पे कोई निर्णय आने वाला है और वो निर्णय आने पर देखेंगे कि कैसी हमारी लहर चलेगी और किस कदर रुड़की नगर की जनता हमें वोट देगी। मोदी की लहर चलेगी, प्रधानमंत्री की लहर चलेगी, अन्य निकाय के चुनाव हैं, यहाँ पे आदमी की शक्ल को वोट पड़ती है, कैंडिडेट के कैंडिडेटचर को वोट पड़ती है, जो जनता के बीच में सुख दुख में खड़ा हो उसको वोट पड़ती है, जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हो कि केंद्र स्तर पर कोई निर्णय आएगा और फिर हमें वोट पड़ेगी। लानत है ऐसी राजनीति करने वालों पे, अपना व्यक्तित्व को लंबा करो ना, अपनी लाइन को लंबा करो। किसी एक निर्णय पे पार्टी के कोई आपको वोट पड़े तो मैं नहीं समझता रुड़की नगर की जनता आपको इन मुद्दों पे वोट देने वाली। ये पूरी तरह से आपने व्यक्ति विशेष की बात की है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण होना चाहिए, अगर कोई अच्छा कैंडिडेट अच्छा व्यक्ति है तो उसको जनता वोट करे, उसको जनता सपोर्ट करे तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए पूरा माहौल बना हुआ है, सभी लोग एक साथ जो है, जनसमूह एक साथ है। हम लोग आ गए हैं फिर पुरानी तहसील में, राजपुताना एरिया, वहाँ हम पहुँच गए नामांकन करने के बाद। अब आप एक बताइए कि आपने सारा कुछ पक्ष आपने रख दिया, क्लियर कर दिया कि आपको जो है जनादेश जो मिला है उसका साथ देंगे आप। अब आप ये बताइए आपके इस इलेक्शन के मुद्दे क्या रहेंगे, नगर निगम के बेसिक मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दा सिर्फ रुड़की नगर के एक भी घर के अंदर, जो हर साल रुड़की की लगभग 25-30% आबादी ऐसी है जो जल भराव की समस्या से ग्रसित है, एक भी घर के अंदर पानी ना भरे, उसके लिए क्या सुचारू व्यवस्था हो सकती है, उस पर काम करेंगे सबसे पहले। और उसके अलावा नगर के अंदर जितने भी विकास कार्य होते हैं उनमें तेजी आए, उनमें पारदर्शिता आए, कहीं कोई उसके अंदर जनता के सामने सब पारदर्शी तरीके से हो, और एक मॉनिटरिंग कमेटी बने जो जनता की सलाह से जिन जिन वार्डों के अंदर जो जो समस्याएं प्रमुख हैं सबसे पहले प्रमुख समस्याओं को हम लेते हुए उनके निदान के लिए कार्य करें। अभी आपने एक बात कही कि जनता मेयर रहेगी, इसका क्या मतलब है कि जनता मेयर रहेगी? जनता मेयर रहेगी का मतलब ये है कि मेरे कामों की मॉनिटरिंग रुड़की नगर की जनता करेगी, उसके अंदर जो भी कमी महसूस होगी उसके लिए हम एक कमेटी बनाएंगे 5-7 लोगों की, उसके अंदर जो भी समस्याएं नगर से आती रहेंगी प्राथमिकता के आधार पर हम उनका निस्तारण करेंगे और मजबूती के साथ करेंगे। अच्छा, ये मेयर जनता बन रही है? ये मेयर जनता बन रही है। ये जनता का काफ़ी सहयोग, काफ़ी लोग एकत्रित हुए सिर्फ नामांकन का, और ये पूरी चुनावी कवरेज है, चुनावी कवरेज आप देख रहे हैं नो यो सिटी पर। मुझे उम्मीद है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन से आप जज कर पाएंगे मेयर के चुनाव के लिए, वार्ड के प्रत्याशियों के चुनाव के लिए।